पेज नंबर 18 पर हम लोगों ने लास्ट जहाँ स्टोरी छोड़ी उसमें हमने क्रिस और केट के डायलॉग्स के बारे में पढ़ा, उनके कन्वर्सेशन के बारे में पढ़ा, जहाँ पर लैरी और एनी को लेकर उनके बीच में एक रसाकशी सी चलती है। सो पेज नंबर 18 पर पहला डायलॉग जो है मदर का, फाइन देर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट, शी इज़ अ ब्यूटी। लास्ट हमने जो डायलॉग छोड़ा जहाँ पर स्टोरी में क्रिस जो है उसने अपनी मदर से पूछा कि एनी खूबसूरत लगती है ना, जिसके जवाब में केट ने कहा हाँ ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो सुंदर है, शी इज़ अ ब्यूटी, खूबसूरत है। आई स्टिल डोंट नो व्हाट ब्रॉट हर हियर, लेकिन मुझे अभी भी ये समझ नहीं आ रहा कि वो यहाँ पर क्यों आई है। नॉट दैट आई एम नॉट ग्लैड टू सी हर, ऐसा नहीं है कि मुझे उसे यहाँ देखकर खुशी नहीं हुई, बट क्रिस आई जस्ट थॉट वी वुड ऑल लाइक टू सी ईच अदर अगेन। मदर जस्ट लुक्स एट हिम, नोडिंग हर स्लाइटली, ऑलमोस्ट एज दो एडमिटिंग समथिंग, एंड आई वॉन्टेड टू सी हर माई सेल्फ। और क्रिस ने एनी के न्यूयॉर्क से यहाँ पर आने की रीज़न बताया, कारण बताया कि मैंने उसे इसलिए यहाँ पर बुलाया है कि ताकि हम एक दूसरे को मिलें, बहुत वक्त से नहीं मिले हैं। और ये जब वो बोल रहा है तो केट केलर बड़े ध्यान से क्रिस को देखती है, इस तरह से अपना सिर हिलाती है, इस तरह से अपनी गर्दन हिलाती है जैसे उसे कुछ समझ में आ रहा है। और क्रिस कहता है कि मैं सच बताऊं तो खुद ही एनी को मिलना चाहता था या उसको मैं देखना चाहता था। मदर एज अ नोन्स हॉल्ट टू केलर, जैसे ही केट केलर अपना सर हिलाना या अपनी गर्दन हिलाना बंद करती है तो वो केलर से कहती है, द ओनली थिंग एज इज आई थिंक हर नोज गॉट लॉन्ग। और केट केलर ने क्या कहा एन की खूबसूरती को लेकर, कि बाकी सब तो ठीक है, एक चीज़ मुझे लगा कि उसकी नाक थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट आई विल ऑलवेज लव दैट गर्ल, लेकिन मैं वो लड़की मुझे शुरू से पसंद है और हमेशा रहेगी। शी इज़ वन दैट डिडंट जंप इन टू बेड विद समबडी एल्स एज सून एज इट हैपेंड विद हर फेलो। वो लड़की मुझे इसलिए पसंद रहेगी, एनी मुझे इसलिए पसंद रहेगी क्योंकि अपने मंगेतर के साथ जो भी कुछ हुआ, और क्या हुआ उसके मंगेतर के साथ, हु वॉज द फियांसे ऑफ एनी, लैरी। और लैरी के मरना याना मतलब केट के हिसाब से तो अभी वो मिसिंग है, तो ये कह रही है कि अपने मंगेतर के गुमशुदा होने के बावजूद, उसके लापता होने के बावजूद, वो तुरंत ही किसी दूसरे के साथ उसने संबंध नहीं बना लिए या उसके साथ किसी ने उसने किसी के साथ शादी नहीं कर ली, इसलिए उसे वो लड़की पसंद है। केलर एज दो दैट वाज वर इम्पॉसिबल फॉर एनी, ओ व्हाट आर यू। और केलर ने इस तरह से बिहेव किया मानो एनी का किसी दूसरे से रिश्ता बनाना असंभव है, और उसने कहा क्या कह रही हो। मदर नेवर माइंड, छोड़ो। मोस्ट ऑफ देम डिडंट वेट टिल द टेलीग्राम्स वर ओपन। ज़्यादातर लड़कियां जिनके प्रेमी या जिनके मंगेतर दूसरे विश्व युद्ध में लापता हुए, मिसिंग हुए, उन्होंने इतनी देर भी अपने मंगेतर का इंतज़ार नहीं किया। जब उनके लापता होने की खबर के टेलीग्राम खोले गए, माने जैसे ही खबर आई कि वो लापता है, तुरंत ही उन्होंने किसी दूसरे के साथ रिश्ता जोड़ लिया। आई एम ग्लैड शी केम, इसलिए मुझे पसंद है एनी कि वो अभी भी लैरी का इंतज़ार कर रही है, और मुझे खुशी है कि वो यहाँ आई। सो यू कैन सी आई एम नॉट कम्प्लीटली आउट ऑफ माइंड। और वो कहती है क्रिस से, अब तो तुम कह सकते हो कि मैं पूरी तरह से अभी पागल नहीं हूँ, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। सिट्स एंड रैपिडली ब्रेक स्ट्रिंग बीन्स इन द पॉट। और ये कहकर वो मटर निकालने लगती है जल्दी जल्दी। क्रिस जस्ट बिकॉज शी इजंट मैरिड डजंट मीन शी इज बीन मॉर्निंग लैरी। क्रिस ने कहा कि अगर एनी ने अभी किसी से शादी नहीं की है, अगर वो अभी किसी के साथ रिलेशन में नहीं है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो अभी भी लैरी का मातम बना रही है या उसको याद करके मायूस है। मदर विद एन अंडरकरंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, व्हाई देन शी इज़न्ट शी। और केट केलर ने क्रिस की इस बात को बड़े ध्यान से सुना और जवाब दिया, अगर वो अभी भी लैरी को याद करके उसका इंतज़ार नहीं कर रही है एनी, तो ये बताओ अभी तक वो सिंगल क्यों है, अभी तक उसने किसी दूसरे के साथ रिश्ता क्यों नहीं बनाया। क्रिस अ लिटिल फ्लस्टर, अपनी माँ के इस अचानक पूछे गए सवाल से क्रिस जो है थोड़ा घबरा गया। वेल इट कुड हैव बीन एनी नंबर ऑफ थिंग्स, इस बात के तो कोई भी कई कारण हो सकते हैं। मदर
डायरेक्टली एट हिम, लाइक व्हाट फॉर इंस्टेंस. और केट किलर जो है उसने क्रिस से पूछा, कोई एक उदाहरण दो कि क्या कारण हो सकता है उसकी इस इंतज़ार का. क्रिस एम्बेरस्ड बट स्टैंडिंग हिज ग्राउंड, आई डू नॉट नो. ये बात सुनकर थोड़ा झेप गया, थोड़ा शर्मा गया क्रिस, और लेकिन वो अपनी बात पर टिका रहा और उसने कहा, ये तो मैं नहीं जानता, वट एवर इट इज़, कारण चाहे जो भी हो, कैन आई गेट यू एन एस्प्री. और जब उसे लगा कि वो शायद अपनी माँ को सही जवाब नहीं दे पाएगा, तो क्रिस ने बात को बदलते हुए कहा, क्या मैं तुम्हारे सिरदर्द के लिए एस्प्रिन ले आऊँ. मदर पुट्स हर हैंड टू हर हेड, शी गेट्स अप एंड गोज एमलेसली टुवर्ड्स द ट्री ऑन राइजिंग. केट केलर उठी, उसने अपने हाथ से अपना सिर दबाते हुए वो उस गिरे हुए पेड़ के पास चली गई. मदर, इट्स नॉट लाइक अ हेडेक. सिर में जो वो महसूस कर रही है उसे वो कहती है कि वो सिरदर्द जैसा नहीं लग रहा. केलर, यू डोंट स्लीप, दैट्स व्हाई. और केट केलर की बात का जवाब दिया जो केलर ने, कि वो जो सिर में भारीपन या जो भी तकलीफ महसूस कर रही है उसका कारण ये है कि वो रात में ठीक से सोई नहीं है, यही कारण है. शी इज़ वेयरिंग आउट मोर बेडरूम स्लीपर्स देन शूज. और केलर ने कहा अपनी वाइफ के बारे में, केट केलर के बारे में, कि इस वक्त भी वो शायद पूरी तरह से फ्रेश नहीं उठी है, इसलिए शायद बाथरूम स्लीपर्स में ही बाहर आ गई है. मदर, आई हैड अ टेरिबल नाइट. शी स्टॉप्स मूविंग. आई नेवर हैड अ नाइट लाइक दैट. और कल रात, जो रात बीत चुकी है, जिस रात बड़ा तूफान आया, केट केलर ने कहा, वाकई में कल की रात बड़ी बुरी गुजरी. और वो एक जगह पर रुक गई चलते चलते और उसने कहा, कल जैसी रात बुरी बीती, आज तक मेरी कोई रात इतनी बुरी नहीं बीती. क्रिस लुकिंग एट केलर, व्हाट वाज इट मॉम. क्रिस ने अपने पिता पर नज़र रखते हुए देख अपने पिता की तरफ रहा है, लेकिन सवाल वो अपनी माँ से पूछता है, क्या हुआ था मॉम, डिड यू ड्रीम, क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा. मोर देन अ ड्रीम, केट केलर ने कहा, जो भी मेरे साथ हुआ वो किसी डरावने सपने से भी बुरा था. क्रिस हेजिटेंटली अबाउट लैरी, झिझकते हुए क्रिस ने पूछा, क्या तुमने लैरी के बारे में कोई सपना देखा. मदर, आई वॉज फास्ट असलीप. और उसके बाद केट केलर ने अपनी बात सुनानी शुरू की, मैं गहरी नींद में सो रही थी. एंड रेजिंग हर आर्म ओवर द ऑडियंस, और उसने अपना हाथ जो है वो थोड़ा सा ऊंचाई पर उठाया, माने ऑडियंस मतलब उसको जो सुनने वाले हैं, माने उसके सामने जो केलर और क्रिस जो हैं उनके सामने उसने इस तरह से अपना हाथ उठाया. रिमेंबर द वे ही यूज्ड टू फ्लाई लो पास द हाउस व्हेन ही वाज इन ट्रेनिंग. और वो लैरी को याद करके बोलती है, दोनों से कहती है, तुम्हें याद है जब वो पायलट की ट्रेनिंग कर रहा था लैरी, तो किस तरह से वो जब हमारे घर के ऊपर से हवाई जहाज़ उड़ाता था तो कितना नीचे अपना हवाई जहाज़ ले आता था. When we used to see his face in the cockpit going by, और जब वो ट्रेनिंग के दौरान ऐसा करता था तो कॉकपिट में, माने पायलट की सीट पर बैठे हुए उसका चेहरा हमें घर के आंगन से साफ साफ नज़र आता था. That's the way I saw him. बिल्कुल वैसा ही कल मैंने उसे रात सपने में देखा, only high up. फ़र्क सिर्फ इतना था कि वो बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा था. Way up, where the clouds are. उसका हवाई जहाज़ इतनी ऊंचाई पर था मानो बादलों के पार. He was so real, I could reach out and touch him. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था नींद में कि मैं कोई सपना नहीं देख रही बल्कि सच में लैरी को देख रही हूँ, और वो इतना सच्चा, मुझे इतना रियल लग रहा था कि मुझे लग रहा था कि मैं हाथ बढ़ाऊँगी और उसे छू लूँगी. And suddenly he started to fall. अचानक से मैंने देखा कि वो हवाई जहाज़ जो था लैरी का, वो गिरना शुरू हो गया. And crying to me, mom. और लैरी का जहाज़ जब गिरने लगा तो लैरी रो के मुझे आवाज़ देने लगा. आई कुड हियर हिम लाइक ही वॉज इन द रूम. उसकी आवाज़ मेरे कानों में इतनी साफ साफ सुनाई दे रही थी मानो वो अपने कमरे से मुझे आवाज़ दे रहा हो. मॉम, इट वॉज हिज वॉइस. वो मुझे पुकार रहा था और मैं जानती थी कि ये लैरी की ही आवाज़ थी. इफ़ आई कुड टच हिम, आई न्यू आई कुड स्टॉप हिम. मुझे उस वक्त ये लग रहा था, अगर मैं हाथ बढ़ाकर उसे छू पाती, उसे रोक पाती, तो शायद मैं उसे बचा लेती. ब्रेक्स ऑफ, अलाइंग हर आउटस्ट्रेच हैंड टू फॉल. और अचानक रो पड़ती है ये कहते कहते, और उसका हाथ जो उसने हवा में उठाया हुआ था वो नीचे गिरता है. आई वोक अप एंड इट वॉज सो फनी, द विंड, इट वॉज लाइक द रोरिंग ऑफ हिज इंजन. उस
सपने के बाद अचानक मेरी नींद खुली और मैंने सुना कि बाहर तेज़ हवा चल रही है, तूफान चल रहा है। और कितनी अजीब बात है, केट ने कहा कि जो तेज़ हवा की आवाज़ थी, जो तूफान की आवाज़ थी, वो बिल्कुल उसके हवाई जहाज़ के इंजन की आवाज़ लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जो सपने में वो इंजन की आवाज़ सुन रही है, वो आवाज़ सच में इंजन की आवाज़ नहीं थी, बल्कि बाहर तूफान का शोर था। आई केम आउट हियर, आवाज़ सुनकर मैं बाहर आई, एंड आई मस्ट हैव स्टिल बीन हाफ अस्लीप। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अभी पूरी तरह से जागी नहीं हूँ, अभी भी आधी नींद में ही हूँ। हियर दैट रोरिंग लाइक ही वॉज गोइंग बाय, बाहर के तूफान की आवाज़ मुझे ऐसी लग रही थी मानो उसका इंजन जो है वो आवाज़ कर रहा है और वो नीचे गिर रहा है। द ट्री स्नैप्ड राइट इन फ्रंट ऑफ मी, और मेरी आंखों के सामने ये एप्पल का ट्री जो उसके गार्डन में लगा था वो टूट कर गिर गया। एंड आई लाइक केम अवे, और उस पेड़ के गिरने की आवाज़ से मानो केट केलर की नींद खुली। शी इज़ लुकिंग एट ट्री, और इस वक्त वो खड़ी हुई उस पेड़ की तरफ देख रही है। She suddenly realizes something, turns with a reprimanding finger, shaking slightly at Keller. अचानक खड़े खड़े ऐसा लगा कि उसने कुछ महसूस किया और वो तुरंत मुड़ी और वो मानो इल्ज़ाम लगाते हुए उसने उंगली उठाई किस पर, जो Keller पर। See, देखा, we should never have planted that tree. हमें ये पेड़ कभी लगाना ही नहीं चाहिए था। I said so in the first place. मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था ये पेड़ मत लगाओ। It was too soon to plant a tree for you. लैरी के लिए एक पेड़ लगाना, लैरी की याद में एक पेड़ लगाना, इस काम के लिए बड़ी जल्दी थी। इसका मतलब ये है, जो हम right from the very beginning हम एक बात जो पढ़ते आ रहे हैं, the significance of that apple tree, तो उसको अब थोड़ा थोड़ा अभी हम यहाँ पर थोड़ा क्लियर होना शुरू हुआ है, हमें रीज़न पता चलने लगा है। और उसका रीज़न एक जो बात अभी हमारे सामने आई है वो ये कि जो एप्पल ट्री जो केलर के गार्डन में लगाया गया था, हमने अभी तक ये जाना, ये पढ़ा कि उसका केट केलर से कोई कनेक्शन है, और अब हमें ये पता चलता है कि केट केलर के साथ साथ उस एप्पल ट्री का कनेक्शन किससे है, लैरी से। और क्या कनेक्शन है, कि जब लैरी लापता हुआ तो उसके लापता होने के बाद लैरी की याद में उस एप्पल ट्री को लगाया गया, ठीक है। तो इट वॉज़ लाइक अ मोमेंटो, मोमेंटम कि वो उसकी याद में लगाया गया। तो अब वो ये कहना चाह रही है केट केलर कि जब उस पेड़ को लगाया गया लैरी के लापता होने के बाद उसकी याद में, उसके जाने की याद में, तो कह रही है कि उस वक्त हमने जल्दबाजी कर ली, हमें तब इतनी जल्दी वो पेड़ नहीं लगाना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं जो एप्पल ट्री है ना, उसका सिग्निफिकेंस हमें कैसे समझ में आएगा यहाँ पर। देखो, जैसा हमने पहले भी बात की कि हर कैरेक्टर के माइंड में अपने एक थॉट प्रोसेस चल रहा है, अपना एक पाथ है, एक रास्ता है जिस पर उसका दिमाग चल रहा है। जैसे क्रिस के दिमाग में इस वक्त एनी से शादी करने का बात चल रही है, केज के मन में चल रहा है कि किसी तरह से क्रिस और एनी की शादी ना हो, जो केलर के मन में चल रहा है कि जो भी हो केट को दुख ना पहुँचे, राइट। एनी के मन में क्या चल रहा है अभी हम जानते नहीं, अभी हम उससे मिलेंगे तो बात करेंगे। बट इसी तरह से हर कैरेक्टर का उस एप्पल ट्री से अपना एक पर्सपेक्टिव जुड़ा, अपना एक नज़रिया जुड़ा है। हमें एक बात ये पता चलती है कि वो एप्पल ट्री लगाया गया था लैरी के जाने के बाद, ठीक है। तो जो केलर ने ये सोचकर वो पेड़ लगाया, या जो केलर ये सोचता उस एप्पल ट्री को लेकर कि ये पेड़ मेरे बेटे की मौत की यादगार है, उसके जाने की निशानी है, कि इस पेड़ को देखकर उसे ये याद आएगा कि उसका एक बेटा हुआ करता था जो उन्हें छोड़कर चला गया, ठीक है। केट केलर जो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि लैरी मर चुका है, या उसको ये लगता है कि लैरी अभी भी आएगा, तो वो उस एप्पल ट्री को कैसे देखती है केट केलर को ये लगता है कि भाई ये पेड़ जो है ये लैरी के जाने की निशानी के तौर पर लगाया गया था, और अब वो निशानी टूट गई, अब वो पेड़ गिर गया। इसका मतलब वो इसको एज अ सिग्नल ले रही है, किस बात का, कि लैरी मरा नहीं है, उसकी मौत की निशानी जो थी, वो पेड़ जो था वो गिर गया, इसका मतलब लैरी जिंदा है और वो वापस आए।
समझ रहे हो ना? तो क्योंकि जो एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, एक ह्यूमन नेचर होती है कि हम जैसा सोचना चाहते हैं ना वैसा सोचते हैं। हम ऐसा कहते हैं ना कि मतलब मेरे को, अगर आप सिर्फ नेगेटिव सोच रहे हो तो आप नेगेटिव सोचना चाह रहे हो, इसलिए आपके मन में नेगेटिव थॉट आ रहे हैं। अगर आप अपने माइंड को समझा लो ना कि नहीं, ये मुझे नहीं सोचना है, आई हैव टू बी पॉजिटिव, देखना आपकी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। वाइस वर्सा, आप किसी के लिए जैसा भी सोचना चाहते हैं, आप अपने लिए जो सोचना चाहते हैं आप वैसे ही सोचते हैं। बिल्कुल यही रूल, बिल्कुल यही फिलॉसफी इस वक्त इस नाटक के सभी किरदारों पर लागू हो रही है। केट केलर क्योंकि ये सोचना चाह रही है कि लैरी आएगा, इसलिए उसने उस एप्पल ट्री के गिरने को कहाँ समझा, ये तो उसकी मौत की निशानी थी, ये तो हमने गलती की लगा के, भगवान चाहता ही नहीं था कि इसको लगाएं, मैं चाहती नहीं थी इसको लगाएं, अब वो गिर गया, इसका मतलब उसका बेटा, भगवान हमें ये सिग्नल दे रहा है कि वो जिंदा है, राइट? तो वो एग्जैक्टली यही बात यहाँ कह रही है कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। केलर, क्रिस, मदर मदर, शी लुक्स इन टू हिज फेस, द विंड ब्लू इट डाउन। और क्रिस ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा या उसे शांत कराते हुए कहा कि इस तरह से वो ओवर रिएक्ट ना करे, क्योंकि इसमें कोई इशारा, कोई सिग्नल नहीं है, एक नॉर्मल सी बात है, यूजुअल सी बात है, तूफान आया और तूफान में एक पेड़ गिर गया, व्हाट सिग्निफिकेंस हैज दैट गॉट, इस पेड़ के गिरने का लैरी से क्या लेना देना, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, क्रिस ने अपनी माँ से पूछा, क्या बात कर रही हूँ, मदर प्लीज डोंट गो थ्रू इट ऑल अगेन विल यू। और उसने अपनी माँ को रोकते हुए समझाते हुए कहा, फिर से अपनी वही सारी कहानी शुरू मत कर देना कि लैरी जिंदा है या वो वापस आएगा, इट्स नॉट गुड, और ये जो तुम्हारी सोच है कि लैरी वापस आएगा जिंदा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इट डजंट अकम्प्लिश एनीथिंग, और इस बात से कुछ भी हासिल नहीं होगा, हम में से किसी को कुछ भी हासिल नहीं होगा, आई हैव बीन थिंकिंग यू नो। और क्रिस ने अपनी बात रखने की कोशिश की अपनी माँ के सामने, और क्रिस ने कहा, मैं सोच रहा था, तुम जानती हो, मे बी वी ऑट टू पुट आउट, वी ऑट टू पुट आर माइंड्स टू फॉरगेटिंग इट। और क्रिस ने हिम्मत करके अपने मन की बात अपनी माँ के सामने रखी कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने दिमाग को अब लैरी को याद करने में नहीं, बल्कि उसको भुलाने में लगाना चाहिए, हमें धीरे धीरे लैरी को अब भूलने की कोशिश करनी चाहिए। मदर, दैट्स द थर्ड टाइम यू हैव सेड दैट दिस वीक, लैरी को भुलाने की बात तुमने इस एक हफ्ते में तीसरी बार कही है। क्रिस, बिकॉज इट्स नॉट राइट, मैं इसलिए लैरी को भुलाने की बात कर रहा हूँ क्योंकि उसे याद रखता, उसे बार बार याद करना ठीक नहीं है। वी नेवर टुक अप आवर लाइफ अगेन, लैरी के जाने के बाद हमने मानो अपनी ज़िंदगी तो जीनी ही छोड़ दी। वी आर लाइक अ रेल रोड स्टेशन वेटिंग फॉर अ ट्रेन दैट नेवर कम्स इन, हमारी लाइफ एक ऐसे रेलवे स्टेशन की तरह हो चुकी है जिस पर हम लोग खड़े हैं, एक ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन वो ट्रेन मानो कभी आती ही नहीं। मदर, प्रेसिंग टॉप ऑफ हर हैंड, गेट मी इन अ स्प्रे। और जब देखो, क्रिस जब जब लैरी को भुलाने की बात कर रहा है या लैरी को भूल जाने की बात करते हैं, केट तो ये सुनना भी नहीं चाहती, मानना, एक्सेप्ट करना तो दूर की बात है, शी इवन डजेंट लाइक टू लिसन टू दिस। तो वो तुरंत अपनी बात, उसकी बात को ना चेंज कर देती है, अब उसकी बात को, टॉपिक को चेंज करती है। जैसे उसने कहा कि हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, क्रिस ने कहा हमें उसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए ये वो, तो क्रिस की बात का जवाब दिए बगैर केट केलर ने क्या कहा, जाओ मेरे लिए एस्प्रिन ले आओ, मेरे सिर में दर्द है। क्रिस, श्योर, एंड लेट्स ब्रेक आउट दिस, हाँ मॉम, थॉट द फोर ऑफ अस माइट गो आउट टू डिनर अ कपल नाइट्स, मे बी गो डांसिंग आउट एट द शो। और क्रिस ने माहौल को थोड़ा सा बदलने के लिए कहा अपनी माँ से, ठीक है मैं आपको दवाई ला देता हूँ, और मैं ये सोच रहा था कि इस बात को हम यहीं ख़त्म करें और हम चारों, चारों मींस जू केलर, केट केलर, एनी और क्रिस, हम चारों कुछ रातों के लिए बाहर खाना खाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, मस्ती करते हैं, बीच पर जाते हैं और थोड़ा डांस वांस करते हैं। मदर, फाइन, ठीक है, टू केलर, वी कैन डू इट टू नाइट। केट केलर ने
जो केदार की तरफ देखते हुए कहा, ये बाहर खाना खाना और बीच पर जाना ये तो हम आज रात भी कर सकते हैं। स्वेल विद मी, केदार ने कहा, बिल्कुल मेरे साथ मस्ती करो। क्रिस, श्योर, लेट्स हैव सम फन। क्रिस ने भी कहा, ठीक है तो हम इस बात को यहीं भुला कर आज रात की प्लानिंग करते हैं, थोड़ा मस्ती मजाक करते हैं। टू मदर, यू विल स्टार्ट विद दिस एस्प्रिन। और क्रिस ने कहा कि पहले तुम अपना सिर का दर्द ठीक करो, मैं तुम्हारे लिए एस्प्रिन लाता हूँ, उसके बाद हम प्लानिंग करते हैं। ही गोज अप एंड इन टू द हाउस विद न्यू स्पिरिट, हर स्माइल वैनिशेस। क्रिस तो खुशी खुशी घर के अंदर चला जाता है एस्प्रिन लाने के लिए, लेकिन क्रिस के जाने के बाद केट केलर के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो जाती है, वो एकदम से सीरियस हो जाती है। मदर, विद एन एक्यूजिंग अंडरटोन, व्हाई डिड ही इनवाइट हर हियर। और जाते ही, क्रिस के अंदर जाते ही, क्योंकि इस वक्त स्टेज पर सिर्फ जो केलर और केट केलर हैं, केट केलर ने मानो इल्ज़ाम लगाते हुए अपने पति से पूछा, क्यों बुलाया है क्रिस ने उसे यहाँ पर, किसको बुलाने की बात हो रही है यहाँ पर, एनी को। केलर, व्हाई डज दैट बॉदर यू, एनी का यहाँ आना तुम्हें परेशान क्यों कर रहा है। मदर, शी हैज़ बिन इन न्यूयॉर्क 3.5 ईयर्स, पिछले 3.5 साल से एनी न्यूयॉर्क में रह रही है, वाई ऑल ऑफ अ सडन, अचानक ऐसा क्या हो गया कि 3.5 साल में वो इतनी दूर से उठकर यहाँ चली आई। वेल, मे बी ही जस्ट वॉन्टेड टू सी हर, केलर ने कहा, तो क्या हुआ, बचपन के साथी हैं, बचपन के दोस्त हैं, शायद क्रिस का मन किया हो एनी से मिलने का, उसको देखने का। मदर, नोबडी कम 700 माइल्स जस्ट टू सी, केट केलर ने कहा, 700 किलोमीटर की दूरी पार करके इतनी दूर से कोई भी इंसान अपने घर से ऐसे ही उठ के नहीं चल देता किसी से मिलने के लिए। केलर, व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा, ही लिव नेक्स्ट डोर द गर्ल ऑल हिज लाइफ, क्रिस उस लड़की के साथ पूरा बचपन पास वाले घर में रहा है, व्हाई शुडंट ही वॉन्ट टू सी हर अगेन, उसके बचपन की दोस्त है, उसके बचपन की साथी है, अगर उसका मन किया उससे दोबारा मिलने का तो इसमें गलत क्या है। मदर लुक्स एट हिम क्रिटिकली, इस अंदाज में वो जो केलर की तरफ देखती है केट, मानो उसकी कमी ढूंढ रही है। डोंट लुक एट मी लाइक दैट, और केलर ने कहा अपनी पत्नी को घूरता हुआ देखकर, मुझे इस तरह मत देखो, ही डिडंट टेल मी एनी मोर देन ही टोल्ड, मानो शक कर रही है केट केलर अपने पति पर कि क्रिस की असलियत जो केलर जानता है, किस असलियत की बात कर रही है कि क्यों क्रिस ने एनी को बुलाया है, इसका कारण जो केलर जानता है ऐसा केट को लगता है, और ये बात सच भी है, जो केलर जानता है और उसको पता है केट केलर को ये बाप बेटा मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मदर, अ वार्निंग एंड अ क्वेश्चन, हालांकि केलर उसको यही कहता है कि मुझे भी बस इतना ही पता है कि वो एनी को, एनी यहाँ पर आई है, मुझे इससे ज़्यादा नहीं पता। और केट केलर कहती है अ वार्निंग एंड अ क्वेश्चन, इस तरह से वो जो केलर को कहती है मानो सवाल नहीं बल्कि धमकी दे रही है, ही हैज़ गॉट, ही इज़ नॉट गोइंग टू मैरी हर, ये सवाल कम धमकी ज़्यादा है, मानो वो अपने मन की बात कहती है सीधी सीधी। उसने जो केलर से कहा, कहीं क्रिस एनी से शादी तो नहीं करने वाला, इस बारे में सोच तो नहीं रहा। केलर, हाउ डू यू नो ही इज़ इवन थिंकिंग ऑफ इट, हालांकि जो केलर जानता है क्योंकि क्रिस ने तो अपने मुँह से ये बात बता दी अपने फादर को, बट फिर भी जो केलर अभी शायद वो सच्चाई केट केलर के सामने बताने की हिम्मत नहीं रखता, उसने कहा, तुम्हें ये भी क्यों लगता है कि वो इस बारे में सोच भी रहा है। मदर, इट हैज़ गॉट दैट अबाउट इट, बस मुझे ऐसे ही लगा। केलर, शार्पली वॉचिंग हर रिएक्शन, और केलर ने नज़र गढ़ा ली केट केलर के चेहरे पर, मानो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस पढ़ने की कोशिश करता है। वेल, सो व्हाट, और कहा केट केलर को जो ने कि मान लो अगर क्रिस एनी से शादी करने के बारे में सोचता भी है तो उसमें बुराई क्या है। अलार्म्ड, जैसे ही उसने ये कहा कि क्या हर्ज क्या है दोनों की शादी में, केट केलर की खतरे की घंटी बज गई, एकदम से वो चौकन्नी हो गई और उसने पूछा, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, जो क्या खिचड़ी पक रही है इस घर में। केलर, नाउ लिसन केट, और वो अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है, मेरी बात सुनो, लेकिन मानो केट केलर उसके उससे दूर रह रही है, उसके पास भी नहीं आ रही, और उसने कहा केट ने, शी इज़ नॉट हिज गर्ल, क्रिस एनी से शादी नहीं कर सकता क्योंकि एनी उसके लिए नहीं बनी है, जो शी नोज़ शी इज़ नॉट,
ये बात एनी भी जानती है कि वो लैरी की मंगेतर है, वो क्रिस से शादी नहीं कर सकती। केलर, यू कांट रीड हर माइंड। एनी क्या सोचती है, एनी के दिमाग में क्या चल रहा है, तुम उसका दिमाग थोड़ी ना पढ़ सकती हो। मदर, देन वाई इज शी स्टिल सिंगल। और केट केलर क्यों इस बात का दावा बार बार कर रही है कि आज भी एनी लैरी का इंतज़ार कर रही है, वो इस दावे के पीछे कारण जो है उसको ये लगता है क्योंकि अभी तक एनी सिंगल है, क्योंकि अभी तक एनी ने किसी से दूसरे से शादी नहीं की 3.5 साल बाद भी, तो उसको लगता है कि शायद वो आज भी लैरी का इंतज़ार कर रही है। न्यूयॉर्क इज़ फुल ऑफ मैन, वाई इज़न्ट शी मैरिड। न्यूयॉर्क में क्या लड़कों की कमी है, वहाँ भी तो इतने सारे लड़के हैं, तो मुझे बताओ इतने सालों में आज तक उसने शादी क्यों नहीं की। पॉज, प्रोबेबली 100 पीपल टोल्ड हर ही हर शी इज़ फुलिश एंड बट शी वेटेड। शायद सैकड़ों लोगों ने एनी को कहा होगा कि लैरी का इंतज़ार करना बेवकूफ़ी है, लेकिन फिर भी उसने इंतज़ार किया ना। केलर, हाउ डू यू नो शी वाई शी वेटेड। दूसरी शादी ना करने की वजह क्या है या उसने क्यों अभी तक इंतज़ार किया, इसका असली कारण तुम्हें कैसे पता। मदर, शी नोज व्हाट आई नो, दैट्स व्हाई। उसका कारण ये है क्योंकि एनी अच्छी तरह से जानती है जो मैं जानती हूँ, और वो क्या जानने की बात कर रही है कि लैरी जिंदा है, वो वापस आएगा, ये बात वो दोनों अच्छी तरह से जानती हैं। शी इज़ फेथफुल एज अ रॉक, किसी चट्टान की तरह मजबूत है वो अपनी वफादारी में। इन माई वर्स्ट मोमेंट्स आई थिंक ऑफ हर वेटिंग एंड आई नो अगेन दैट आई एम राइट। जब जब मैं बहुत ज़्यादा बुरे दौर से गुजरती हूँ, जब भी मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस होती हूँ इस बात को लेकर कि लैरी पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, मैं हमेशा उस वक्त एनी के बारे में सोचती हूँ, ये सोचती हूँ कि एनी भी मेरी तरह इंतज़ार कर रही है और मैं मुझे लगता है कि मैं ठीक सोच रही हूँ। केलर, लुक इट्स अ नाइस डे, व्हाट आर वी आर्ग्यूइंग फॉर। और जब केलर को लगता है कि वो किसी भी तरह से अपनी पत्नी को नहीं समझा पाएगा, तो उसने बात को बदलते हुए कहा, देखो मौसम आज बड़ा अच्छा है और हम क्यों बहस कर रहे हैं। मदर, वार्निंगली, धमकी देती है अपने हस्बैंड को, नोबडी इन दिस हाउस डज टेक हर फेथ अवे। जो इस घर का कोई भी सदस्य एनी के विश्वास को नहीं छीनेगा। स्ट्रेंजर्स माइट, घर के बाहर का कोई अजनबी शायद उसके इस विश्वास को तोड़ सकता है, बट नॉट हिज फादर नॉट हिज ब्रदर। लेकिन मेरे ही घर में लैरी का पिता और लैरी का भाई ये बात नहीं कहेंगे एनी से कि उन्हें लगता है कि लैरी मर चुका है, या एनी के विश्वास को नहीं तोड़ेंगे। केलर, एग्जस्पिरेटेड, व्हाट डू यू वांट मी टू डू, व्हाट डू यू वांट। मानो हार मानता है और पूछता है अपनी वाइफ से, क्या चाहती हो तुम मुझसे, व्हाट डू यू वांट मी टू डू, मैं क्या करूँ, क्या चाहिए तुम्हें। मदर, आई वांट यू टू एक्ट लाइक ही इज कमिंग बैक। और सीधे सीधे केट ने कहा कि मैं तुमसे यही चाहती हूँ कि तुम इस तरह से बिहेव करो मानो लैरी जिंदा है और वो वापस आएगा। बोथ ऑफ यू, तुम दोनों, डोंट थिंक आई हैव नोटिस्ड यू सिंस क्रिस इनवाइटेड हर। ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें देख नहीं रही हूँ जब से क्रिस ने एनी को यहाँ बुलाया है। आई वॉन्ट स्टैंड फॉर एनी नॉनसेंस, किसी भी तरह की बेवकूफ़ी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। केलर, बट केट, मानो उसे रोकने की उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन केट केलर कुछ सुनना ही नहीं चाहती। मदर ने कहा, बिकॉज इफ इज नॉट कमिंग बैक, अगर लैरी वापस नहीं आएगा, देन आई विल किल माई सेल्फ, तो मैं खुद को मार लूँगी। लाफ लाफ एट मी, हंसो मेरी ये बात सुनकर। शी पॉइंट्स टू ट्री, उस एप्पल ट्री की तरफ इशारा करके कहती है केट, बट वाई डिड दैट हैपन द वेरी नाइट शी केम बैक। ये बताओ ये पेड़ उसी रात क्यों गिरा जिस रात एनी उस घर में आई। लाफ, बट देर आर मीनिंग इन सच थिंग्स। बेशक तुम्हें मेरी ये बात सुनकर हंसी आए, लेकिन इन सब बातों में एक मतलब छिपा है। She goes to sleep in his room and his memorial breaks in pieces. Annie इस घर में आती है, लैरी के कमरे में जाके सोती है और उसकी मौत की निशानी टूट जाती है। Look at it, इस बात को इस तरह से देखो। She sits on bench और वो बेंच पर बैठती हुई कहती है, जो केलर काम लो सर। और वो देख रहा है जो केलर कि केट जो है बड़ी हाइपर हो रही है और वो उसे शांत रखने की कोशिश करता है। मदर, बिलीव विद मी जू, आई कांट स्टैंड ऑल।
मेरा साथ दो, मैं अकेले इस मुसीबत का सामना नहीं कर सकती, मेरे साथ खड़े रहो। काम योर सेल्फ, पहले अपने आप को शांत करो। मदर, ओनली लास्ट वीक अ मैन टर्न्ड अप इन डिट्रॉयट मिसिंग लॉन्गर देन लैरी, यू रेड इट योर सेल्फ। और उसने जो कह लो कि एग्जाम्पल देते हुए कहा, पिछले हफ्ते तुमने ही मुझे न्यूज़पेपर में से खबर पढ़ के सुनाई थी कि लैरी से भी पहले से एक आदमी लापता था इसी शहर में और वो लौट आया, तुमने खुद पढ़ा था। केलर, ऑल राइट काम यू सर। और जो केलर के पास मानो इन बातों का कोई जवाब नहीं था, उसने कहा, ठीक है शांत हो जाओ। मदर, यू अबव ऑल हैव गॉट टू बिलीव। केट ने कहा, कोई और करे या ना करे, तुम्हें इस बात पर यकीन करना होगा। केलर, राइजिंग, वाई मी अबव ऑल? खड़े होते हुए केलर ने कहा, मुझे अकेले को ही क्यों यकीन करना है। मदर, जस्ट डोंट स्टॉप बिलीविंग, इस बात पर विश्वास करना मत छोड़ो। केलर, वट डज दैट मीन अबव ऑल? सबसे ज़्यादा मुझे इस बात पर यकीन करना होगा, इस बात का क्या मतलब है? बर्ट कम्स रशिंग होम, और इतनी ही देर में बर्ट जो है वो बाहर से दौड़ता हुआ अंदर आया। बर्ट, मिस्टर केलर, से मिस्टर केलर, पॉइंटिंग अप ड्राइववे, टॉमी जस्ट सेड इट अगेन। उसने बाहर गली की तरफ इशारा करते हुए कहा, मिस्टर केलर, टॉमी ने फिर से वो बात दोबारा कही। केलर, नॉट रिमेम्बरिंग एनी ऑफ इट, थोड़ी देर पहले बर्ट और जो केलर की जो बातचीत हुई थी उसे वो याद नहीं है। द डर्टी वर्ड, बर्ट ने कहा, वही गंदी बात। केलर, ओ वेल, अच्छा हो। बर्ट, गी, आरंट यू गोइंग टू अरेस्ट हिम? आई वॉन्ट हिम। क्या तुम अब उसे अरेस्ट नहीं करोगे? मैं तो उसे धमकी दे आया। मदर विद सडननेस, स्टॉप दैट बर्ड, गो होम। और केट केलर जो पहले से ही अपसेट है, उसने बर्ट को डांटते हुए कहा, चुप रहो, जाओ अपने घर। बर्ट बैक्स अप एज शी एडवांसेस, डर जाता है बर्ट। केट केलर आगे बढ़ती है, बर्ट पीछे हटता है। देर इज़ नो जेल हियर, बच्चा डर गया, मायूस हुआ। और बर्ट ने कहा जो केलर से, तुम झूठ कहते हो, तुम्हारे घर कोई जेल वेल नहीं है। केलर, एज दो टू से, व्हाट द हेल लेट हिम बिलीव देयर। केट, मानो केलर अपनी पत्नी को ये कहने की कोशिश कर रहा है कि बच्चे का दिल क्यों तोड़ रही हो, जो वो सोच रहा है उसे सोचने दो। मदर, टर्निंग ऑन केलर फ्यूरियसली, गुस्से से देखती है जो केलर की तरफ। देर इज़ नो जेल, भाग जाओ यहाँ से, यहाँ कोई जेल वेल नहीं है। आई वॉन्ट यू टू स्टॉप ऑल दैट जेल बिजनेस। और वो कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम ये जेल वेल का अपना खेल बंद कर दो। ही टर्न्स शेम बट पी, केट केलर का सामना नहीं कर पाता जो केलर और मुँह मोड़ता है। बर्ट पास्ट हर टू केलर, ही इज़ राइट अक्रॉस द स्ट्रीट। बर्ट मानो फिर से जो केलर को ये कहता है कि सड़क पर ही है, गली में ही है टॉमी। मदर, गो होम बर्ट, और गुस्से से डांटती है। बर्ट मुड़ता है, गुस्से से कांप रही है केट केलर, उसकी शब्द जो है वो पूरे साफ साफ नहीं बोल पा रही। और वो कहती है जो केलर से कि मैं चाहती हूँ कि तुम ये अपना खेल बंद कर दो, ये पूरा जेल का अपना बिजनेस। और केलर जो है वो थोड़ा घबरा जाता है केट केलर को इतने गुस्से में देखकर, और वो उसे शांत कराने की कोशिश करता है। राइट?